अच्छी ज्योग्राफी नहीं पूछा क्या था जिसमें टाइम बर्बाद किया था तुमने? और कंप्यूटर का क्या लेवल था जो हम लोग? बहुत बेसिक था, आपने जितने पढ़ाया था तो कंप्यूटर रिवीजन सीरीज का जो पीडीएफ था ना वो पूरा था, क्योंकि हमने बेसिक ही बताया था। फैकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा कैसा रहा आपके पास? बढ़िया एकदम। तो जैसे कि मैं अभी अपनी चैनल से बोल रहा हूँ और आप जो ये यूनिवर्सिटी सेकेंड कैंपस दिल्ली कैंपस के नाम से जाना जाता है और हम लोग यहाँ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे आज बीसीए का एग्जाम हुआ था जिसमें टोटल 700 फॉर्म पड़े थे, ठीक है, और इसका जो अभी पिछले साल जो कट ऑफ गया था वो अप्रॉक्स 120 नंबर गए थे, ठीक है, और अभी का देखिए तो इस साल में जो है कट ऑफ अप्रॉक्स 120 से 130 नंबर के आसपास जाएंगे, ठीक है। और अभी हम लोगों ने बच्चों से काफ़ी रिव्यू लिया, उन लोगों का रिव्यू काफ़ी अच्छा था, जो क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था वो ना तो ईजी था ना तो टफ था, वो मॉडरेट था, ठीक है। तो अगर आपके 120 या 130 नंबर आ रहे हैं तो समझिए कि आपका जो है इस फैकल्टी में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। सो अभी चलिए ये तो रिव्यू हो गया यहाँ का फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का, अब देखते हैं कुछ बच्चों का रिव्यू भी कैसा आया कैसा नहीं है, ठीक है, सब कुछ देखिए कुछ जानिए क्या रिव्यू गया क्या रिव्यू नहीं गया, ठीक है। थैंक यू सर। रीजनिंग भी सीखा, रीजनिंग भी सीखा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसका था? रीजनिंग का था ज़्यादा लग रहा है, रीजनिंग दो क्वेश्चन रिपीट, मतलब हम लोगों ने जो पढ़ाया था उससे ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आया सर, वो जो आप कल पीडीएफ उससे भी क्वेश्चन, जितने पीडीएफ आप कंप्यूटर का रिवीजन सीरीज के जो पीडीएफ दिए थे उससे आया था सर, परसेंटेज आया था, मतलब लॉजिकल रीजनिंग जैसा टीचर ने पढ़ाया था वैसा आया था, जितने प्रैक्टिस। और 10+2 का मैथमेटिक्स का क्या हाल चाल था पिछले बार? तो नहीं करते एपी से क्वेश्चन आया था, मैट्रिक से क्वेश्चन आया था, और मैथमेटिक्स में टाइम मैनेजमेंट का, हाँ वो कल भी हो गया था, डिफिकल्टी लेवल का प्रॉब्लम फेस मैथ वगैरह थोड़ा सा आया था, बाकी सब नॉर्मल थे। डिफिकल्टी लेवल का था मैथ का थोड़ा सा था वो रोल था, हाँ लेंदी प्रोसेस था, टाइम लेकिन था थोड़ा, बाकी सारे क्वेश्चन और वेटेज कितना सही हो गया? वेटेज लेवल वेटेज कितना लगता है? वेटेज हाँ, मतलब किस सब्जेक्ट से ज़्यादा मतलब आए थे मतलब क्वेश्चन? सर रीजनिंग से ज़्यादा, रीजनिंग ज़्यादा क्वेश्चन, इधर कंप्यूटर से क्वेश्चन, कंप्यूटर का कितना क्वेश्चन हो 15-20 क्वेश्चन कि ज़्यादा दे दिया था, 25-30 क्वेश्चन दे दिया था, क्योंकि 15-20 का प्रॉब्लम ये था ना कि पिछले बार उन्होंने एक गाइडलाइन जारी किया था जिसमें बताया था कि अगर कोई वैसे इन्फॉर्मेशन सिस्टम एज अ सब्जेक्ट कभी भी कहीं भी पढ़ा है तो वो BCA एडमिशन ले सकता है, तो उस तरीके से कंप्यूटर का पेपर डिजाइन किया था क्या था? कंप्यूटर का जो पोर्शन था सर वो बहुत बेसिक था, बहुत मतलब ईजी लेवल का था, सबसे हार्ड लेवल था। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में क्या पूछा था इन्होंने? एक से क्वेश्चन था, दो शुरुआती में एक क्वेश्चन आया, एक से फिर लास्ट में भी दो क्वेश्चन दिए। ये तो मॉक में मिला होगा आपको ये क्वेश्चन, क्वेश्चन कंप्यूटर का मॉक में कोई रोल रहा कि उससे बाहर था थोड़ा सा लगभग डीप में नहीं होता है, इसीलिए तो पहले ही बोला रिवीजन कर दो, रिवीजन वाला इसीलिए मैंने दे दिया था, उसमें डायग्राम बना के दिया था पूरा अच्छे से समझ में आया। और बाकी आपका एक मतलब 10+2 का जो मैथमेटिक्स को लेके लोग रहते थे वो वही थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का पूछा, वो थोड़ा लेंदी था और टाइम उतना था नहीं, थोड़ा तो कितने सही हो जाएंगे 65 तक तो कैंपस में आने की पूरी उम्मीद है, अगर 60 पार कर रहे हो तो 100% इस कैंपस में आओगे, बस फर्स्ट कट ऑफ सेकेंड कट ऑफ इन दोनों में अंतर हो सकता है लेकिन आओगे जरूर, ये पूरी गारंटी है। हेलो ये सब तो सारे रिवीजन हाँ सर, अरे अभी बात कर रहे और उसके बाद से हमें लग रहा था मतलब आपको डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा, पेपर का मॉडल कैसा था? मॉडरेट 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 मतलब
अगर वनडे वालों का क्या होगा, जो एक ही बड़ा होगा उसका क्या होगा, इसके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोई रोल रहा था कि नहीं रहा था, क्योंकि सिलेबस में इन्होंने लिख के दिया था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लिखना चाहिए था, प्रोग्रामिंग तो नहीं था, प्रोग्रामिंग बस वो लैंग्वेज पूछा था कि कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज है, यही सब है, मतलब कि प्रोग्रामिंग का जो कोड है वो सबसे ज्यादा पोजीशन किसका लगा आपको? हेलो भाई, क्या नाम है? मुझे ऐसा जो मेरा लग रहा है 70% लास्ट में थोड़े से टाइम की वजह से मैंने जल्दबाजी में कुछ क्वेश्चन तो 70 हो रहा था तो बहुत बढ़िया है, तुम्हारा मतलब एकदम हो रहा है तुम्हारा BGM में, ठीक है? तो इसका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, इस कुछ टाइम जो है इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, इसकी डिमांड भी मतलब बढ़ने वाली है, और 70 हो रहा था बहुत बढ़िया हो रहा है, और कहीं से कुछ पढ़ाई किया था, कहीं से कुछ तो गुड लक फॉर द रिजल्ट, और आप एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा, मतलब 800-900 तो मान के रीजनिंग हो गया था, और ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पूछा गया था जिसमें टाइम बर्बाद किया था मैंने, और कंप्यूटर का क्या लेवल था जो हम लोग बहुत बेसिक था, आपने जितने पढ़ाया था तो कंप्यूटर रिवीजन सीरीज का जो PDF था ना वो पूरा एडवांस था, क्योंकि हमने बेसिक ही बताया था। और क्या रोल है मैथ का 11-12 तो वो तो नहीं किया होगा, नहीं हो पाया होगा डिफरेंस, बाकी सब न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड कर लिया, चलो करंट अफेयर में 4-5% बताने वाले ने बताया, तुम्हारा कैसा हुआ करंट अफेयर का पोर्शन? और इसका क्या रोल रहा जैसे दोनों का पूरा ओवरऑल मिला के कैसा, मतलब मॉक टेस्ट का जो पेपर दिया था और इनका लेवल कैसा था? सिमिलर था ना मॉक टेस्ट के, मतलब अगर पहले से तैयार था ना कि मॉक टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। चलो कोई नहीं, उस तरीके से अगर देखा जाए कितने क्वेश्चन थे, और उसमें भी 5% एडमिशन ज़्यादा होता है, वही मान के चलो कि 130 सीट पे एडमिशन होता है, 130 से कुछ ज़्यादा चले, तो अफिलिएटेड भी हैं तो उससे भी चले जाएंगे, तो अफिलिएटेड कैंपस पे ज़्यादा फोकस रहेगा मेन। देखो अफिलिएटेड कॉलेज में तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, यस सर, उनको तो आपको काउंसलिंग में जगह देना ही नहीं है, लेकिन अगर काउंसलिंग में पहले उनको जगह दे दिए तो आपको वहीं भेज दिए जाओगे, तो अब असली खेल है आपके काउंसलिंग का,
बस यही ध्यान रखना, कुछ टाइम के लिए लड़ना भी पड़ता है यूनिवर्सिटी रैंक अपडेट करते रहिए, हम पूरा व्हाट्सएप पे भेजते हैं, आप लोग अपडेटेड रहिएगा चैनल पे, जो भी जैसा भी हो गया आपको अपडेट किया जाएगा। युद्ध हो गया, बढ़िया युद्ध हुआ, अच्छा रहा, मतलब तैयारी के लिए पूरा नतीजा बाकी है, नतीजा आ जाएगा, बढ़िया आएगा, आपने बढ़िया किया। हमने लगाया था कि करंट अफेयर से आपको परेशान गर्म बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया, टेंशन दूर नहीं थी बिल्कुल। बीटेक का पेपर देने के बाद ही बहुत आसान था। आपका नाम क्या है? वरुण, बहुत कहाँ से यहाँ लखनऊ से कलेक्शन होगा, भेजते रहेंगे हम, पर होना चाहिए, अपडेट करते रहिएगा। कितना क्वेश्चन होगा आपका? करे तो पूरे हैं, मैंने नियर अबाउट 15 क्वेश्चन पक्का मार दिए, 70-75 तक की सही रहेगी। चलिए तब तो आ रहे हैं आप यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पर देखते हैं आप लग रहा है। डिफिकल्टी लेवल कैसा था एग्जाम का? मतलब बहुत टफ था, इसी मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। किसके वेटेज ज़्यादा थे, मतलब कौन से सब्जेक्ट के? मैथ्स के वेटेज ज़्यादा थे, और इंग्लिश के, मतलब इंग्लिश इतना नहीं था, और कंप्यूटर कितने थे? 30% कंप्यूटर था। ओके, मतलब अच्छे खासे बेटे थे। मैथ्स आप लोग ने किया क्योंकि डिफरेंशिएशन कैलकुलस ये सब भी होगा? ओके, तो सो यू हैव द मोर 8 फॉर दैट पोर्शन। ओके, तो एनी बिकॉज सम स्टूडेंट सेइंग दैट देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन सॉल्विंग द क्वेश्चन, इट इज सफिशियंट टाइम? ओके ओके, तो आप कितना लगता है कि मेरे ये क्वेश्चन तो सही है, मतलब मेरे इतने क्वेश्चन गलत नहीं होंगे? 80-90%। अरे यार, आप कहीं टॉप 5 रैंक में ना आ जाए तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट, ठीक है, एंड होप फॉर द बेस्ट। और BCA यहाँ का बहुत अच्छी फैकल्टी है, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, हमारे आलोक कुमार है सर जो हैं बहुत अच्छा मतलब कर रहे हैं, तो इसके तहत जो है बहुत अच्छे प्लेसमेंट आ रहे हैं, तो होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू। ठीक है, आपका नाम? आयुष। आयुष यादव, कहाँ से हैं? आप पेपर दे के आ रहे हैं किस चीज़ का? कैसा पेपर हुआ आपका? पेपर क्वेश्चन आपने किया 100 पूरे 100 किए हैं, आप कितना कॉन्फिडेंस है कि आप कितना सही होगा? आपको पता है नेगेटिव मार्क्स नहीं है सर, तभी आपने 100 मार्क्स। अच्छा, क्वेश्चन जैसे कुछ बच्चे बता रहे हैं क्वेश्चन रिपीटेड था? हाँ, एक क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन थे, हाँ वो रिपीट होता, हाँ तो उसमें तो उसमें आप रिपीटेड क्वेश्चन कितना सही हो सकता है? जो हमने पहले किया था वो इसमें वाले कर दिया, ये बताइए आप लोग एक्साइटेड हैं इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ, यहाँ पहली बार देखे हमारी यहाँ के खुल रही थी, वाह बिल्कुल, मतलब ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, नंबर वन प्लेसमेंट है। और यहाँ पे आप इंटर के बाद तुरंत फॉर्म भर डाले हैं? हाँ, तो इंटर में वो कितना परसेंट था? 75%। यहाँ पे आपका अगर 70 क्वेश्चन अगर सही है तो आपका पक्का आप आ रहे हैं। और आपका नाम? आप कहाँ से हैं? फरुखाबाद। फरुखाबाद उत्तर प्रदेश। आपकी क्या ड्रीम है? और आपका फ्रेंड है आप लोग? बिल्कुल फ्रेंड, स्कूल में साथ पढ़े, साथ कॉलेज, ये बहुत अच्छी। आप कितना सही है? मेरा भी 72-73 यानी कॉन्फिडेंस है आपको? 70-100% सही है, उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे नए लगे नहीं आते थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इंटरव्यू देने। मैं अपना परिचय देता हूँ, मेरा नाम अनुप गुप्ता है, मैं एलो अपडेट से हूँ कि बच्चों का तैयारी कर, जो आप इसमें एग्ज़ाम दे के आते हैं, हम लोग का मोबाइल ऐप है एलो अपडेट के नाम से, तो एलो अपडेट आप मोबाइल ऐप पे डाउनलोड करेंगे और हम लोग का कोर्स आप लोग लेके पढ़ सकते हैं, हम लोग तैयारी कराते हैं बच्चों को। और उसके बाद हम लोग आज गए थे यूनिवर्सिटी में, तो रिव्यू ले रहे थे कि बच्चों का हम लोग तैयारी कराए, तो उनका रिव्यू ले रहे थे, तो ऐसे ही उन लोग का भी है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग आइए, धन्यवाद।